Hello friends, welcome to my YouTube channel. आइए सॉल्व करते हैं मैथ्स टेस्ट फॉर ग्रेड 1, 2 एंड 3. आज हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं ऑन डबल्स एंड हाफ्स. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. डबल्स, लेट्स प्ले. डबल ऑफ थ्री इज, थ्री का डबल क्या है? थ्री को टू टाइम्स काउंट करो. थ्री टू जा सिक्स, दैट मीन्स सिक्स एप्पल्स. एक्सेलेंट. वन का डबल, वन टू जा टू, दैट मीन्स अगर एक एप्पल है और उसको आपने डबल करना है तो आपको दो एप्पल लेने होंगे. टू, डबल ऑफ टू इज टू को दो बार, मतलब दो एप्पल का एक ग्रुप और सेकेंड टू एप्पल्स का सेकेंड ग्रुप. तो काउंट करो, वन टू थ्री फोर, फोर एप्पल्स. या फिर टू टू जा फोर भी डायरेक्टली लिख सकते हो. इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने एप्पल्स नहीं बनाए हुए. डबल ऑफ फाइव इज फाइव टू जा टेन. एक्सेलेंट. डबल ऑफ फोर, फोर टू जा एट, दैट मीन्स एट. एक्सेलेंट. डबल ऑफ सिक्स इज सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो डबल ऑफ सिक्स इज ट्वेल्व. एक्सेलेंट. नाइस. सॉरी, निको बॉट एट फ्लावर्स. निको ने एट फ्लावर्स खरीदे. एमिली बॉट डबल द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट निको बॉट. और एमिली ने जो है डबल खरीदे, जितने निको ने खरीदे उसे डबल जो है एमिली ने खरीदे. हाउ मैनी फ्लावर्स डिड एमिली बाय? तो एमिली ने कितने फ्लावर्स खरीदे? अब निको ने खरीदे थे एट और एमिली ने उसे डबल खरीदे, दैट मीन्स एट टू जा सिक्सटीन. तो एमिली ने कितने खरीदे? सिक्सटीन फ्लावर्स. एक्सेलेंट. एडम बॉट नाइन कपकेक्स. एडम ने जो है नाइन कपकेक्स खरीदे थे. और समर बॉट डबल द नंबर ऑफ कपकेक्स दैट एडम बॉट. और समर ने जो खरीदे कपकेक वो नंबर ऑफ डबल कपकेक खरीदे जितने एडम ने खरीदे थे. तो एडम ने खरीदे थे नाइन, नाइन का डबल हुआ एटीन. और समर ने खरीदे एटीन कपकेक्स. नाइन टू जा एटीन. एक्सेलेंट. केविन नीड्स सेवन कप्स ऑफ फ्लोर टू मेक एट कपकेक्स. अब केविन को सेवन कप ऑफ फ्लोर चाहिए अगर उसको आठ कपकेक बनाने हैं. तो इफ केविन वांट्स टू मेक सिक्सटीन कपकेक्स, अगर वो सिक्सटीन कपकेक्स बनाए तो उसको कितना कप ऑफ फ्लोर चाहिए? तो देखो यहाँ पर क्या करा कि पहले एट कपकेक्स थे और यहाँ पर सिक्सटीन कपकेक्स हैं. दैट मीन्स एट को डबल कर दिया, एट टू जा सिक्सटीन. और हम सेवन को भी क्या कर देंगे? डबल, सेवन टू जा फोर्टीन. एक्सेलेंट. एडम हैज सेवन कपकेक्स. समर हैज़ थ्री मोर कप केक्स देन एडम. अब एडम के पास सेवन कप केक्स है और समर के पास तीन ज़्यादा है. तो सेवन प्लस थ्री इज टेन. तो समर के पास कितने कप केक्स हैं? टेन. निको हैज़ डबल द कप केक्स दैट द समर हैज़. अब समर के पास कितने हैं? टेन. और निको के पास कितने हैं? समर के पास जितने हैं उसके डबल, दैट मीन्स टेन टू जा ट्वेंटी. एक्सेलेंट. ये वर्कशीट हो गई सॉल्व. अब नेक्स्ट देखते हैं. डबल एंड हाफ्स पढ़ रहे थे, अब हाफ्स. लेट्स प्ले. नाउ हाफ ऑफ टू, टू का हाफ कितना होगा? वन. एक्सेलेंट. सिक्स का हाफ कितना होगा? थ्री. एक्सेलेंट. हाफ ऑफ फोर्टीन कितना होगा? तो एक्चुअली हाफ में हम क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे. जैसे फोर्टीन है और हमें एकदम से नहीं पता चल रहा कि 14 का हाफ कितना होगा, तो 14 को 2 से डिवाइड. 2 7 जा 14, सो 7 इज द हाफ ऑफ 14. तो आंसर इज 7. एक्सेलेंट. हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 10 कितना होगा? 2 5 जा 10, सो 5 इज हाफ ऑफ 10. आंसर इज 5. एक्सेलेंट. हाफ ऑफ 20, 2 10 जा 20, सो 10 इज हाफ ऑफ 20. सो आवर आंसर इज 10.
एडम बॉट एक बॉट फोर कपकेक्स। अब जो एडम है उसने चार कपकेक खरीदे और समर ने खरीदे हाफ द नंबर ऑफ कपकेक्स दैट एडम बॉट। तो जितने एडम ने खरीदे थे उसका हाफ जो है समर ने खरीदे। अब एडम ने खरीदे फोर, और फोर का हाफ क्या होगा, टू, टू जा फोर। जब हम फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो टू आएगा, दैट मीन्स समर के पास, समर ने खरीदे टू कपकेक्स, तो आंसर आएगा टू। समर बॉट एट टी शर्ट्स। अब समर ने एट टी शर्ट्स खरीदी। निको बॉट हाफ द नंबर ऑफ टी शर्ट्स दैट समर बॉट। अब निको ने कितनी खरीदी, आधी टी शर्ट्स खरीदी थी जितनी समर ने खरीदी थी। अब समर ने कितनी खरीदी, एट, और एट का हाफ टू, फोर जा एट, फोर, दैट मीन्स निको ने कितनी खरीदी टी शर्ट्स, फोर। निको बॉट 12 स्टैम्प्स। अब निको ने 12 स्टैम्प्स खरीदी हैं। केविन बॉट हाफ द नंबर ऑफ स्टैम्प्स दैट निको बॉट। और केविन ने आधी ही खरीदी जितनी निको ने खरीदी उससे। अब निको ने खरीदी है 12, 12 का हाफ हो गया 2, 6 जा 12, दैट मीन्स 6। तो निको ने अगर 12 खरीदी तो केविन ने उसकी आधी, दैट मीन्स 6 खरीदी। तो केविन ने कितनी खरीदी, 6, तो हमारा आंसर कितना होगा, 6। निको बॉट 8 स्टैम्प्स। अब निको ने 18 स्टैम्प खरीदी। ही शेयर द स्टैम्प्स इक्वली विद हिज सिस्टर। अब उसने अपनी सिस्टर के साथ इक्वली शेयर करी है। इक्वली शेयर मतलब हाफ हाफ दोनों करने कर ली, हाफ उसने अपने पास रख ली और हाफ अपनी सिस्टर को दे दी। तो उसके सिस्टर के पास अब कितनी स्टैम्प्स हैं, तो अगेन हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, सो 9 स्टैम्प्स। समर बॉट 16 टी शर्ट्स। समर ने 16 टी शर्ट्स खरीदी। शी शेयर द टी शर्ट्स इक्वली विद हर सिस्टर। और इक्वली उसने अपनी सिस्टर के साथ टी शर्ट्स शेयर करी। हाउ मैनी टी शर्ट्स डिड हर सिस्टर गेट। उसकी सिस्टर को कितनी मिली, तो समर ने टोटल खरीदी थी 16, हाफ शेयर करी अपनी सिस्टर के साथ, तो 16 का हाफ 2, 8 जा 16, दैट मीन्स समर ने 8 टी शर्ट्स अपने पास रखी और 8 टी शर्ट्स अपनी सिस्टर को दे दी। तो सिस्टर के पास अब कितनी टी शर्ट्स हैं, 8। तो हमने सॉल्व कर लिया। कैसी लगी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, एंड प्लीज़ शेयर इट इन योर ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।